यात्रा का चौथा दिन उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के नाम पर सियासी घमासान जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से केदारनाथ तक जाएगी। बुधवार को यात्रा की शुरुआत हर की पौड़ी से गंगा पूजा के साथ हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि यह यात्रा तीसरे दिन शिवपुरी से आगे निकल चुकी है। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। देखिए, भाजपा का जो डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में है और उत्तराखंड देवभूमि में, जिस तरह से भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, सामाजिक स्थितियों को देखते हुए विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम होना चाहिए था, वो ना करके भाजपा अब धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, वो भी इस तरह का हस्तक्षेप कर रही है कि केदार बाबा को दिल्ली शिफ्ट करना, दूसरे मंदिरों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, गर्भगृह को भी खंडित कर देना, और सोना गायब होने की तो चर्चा सब जगह, शंकराचार्य भी बोल चुके हैं, हमारे पूजनीय जो हमारे महापुरुष लोग हैं वो भी उसमें जांच की अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये इनकी मनसा जो है वो बहुत ही गलत है और धर्म के नाम पर जनता को लड़वा कर ये अपनी मंसूबे पूरा करना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। आज कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार से जो यात्रा शुरू की है, इसमें कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस के सभी अंग, सभी प्रकोष्ठ, सभी सेल जो है वो एक साथ हैं और प्रदेश के सभी दिग्गज नेता एक साथ चलकर इसका शुभारंभ किया है और कांग्रेस की यह एकजुटता की आवाज़ केंद्र सरकार तक जाएगी और जो भी हमारा विरोध है, जो भी कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर विरोध दर्ज कराना चाहती है, हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और ये यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होगी। सेवा दल वैसे भी अग्रणी फ्रंटल रहा है और सेवा दल लीड करता रहा है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे न्याय यात्रा की बात हो, उसी तर्ज पर आज ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में भी सेवा दल लीड कर रहा है और प्रत्येक सुबह, प्रत्येक दिन की सुबह सेवा दल का फ्लैग होस्टिंग का, चरखे का ध्वजारोहण होगा, उसके बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। जिस तरीके से हम श्री गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरीके से यदि हमें न्याय मांगना हो, यदि हमें संविधान की रक्षा करनी हो, लोकतंत्र की रक्षा करनी हो, तो सेवा दल का झंडा लेके हम लोग आगे चलते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी दिलाने का काम किया है, सेवा दल आगे आगे रहा है, कुर्बानी देने का काम किया है, उसी तरीके से यदि लोकतंत्र की बात हो तो सेवा दल आगे।